हे फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन श्रद्धा सिंह चैनल। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ सैंडविच मेकर और ग्रिलर का, जो कि इटालिया ब्रांड का है। और इटालिया ब्रांड का ये सैंडविच मेकर बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा है। कम स्पेस लेता है, कम वोल्टेज है और परफेक्ट वर्क करता है। तो आई थिंक ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो हर किचन में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो लाइट्स हैं, वन इज़ रेड एंड वन इज़ ग्रीन, और ये उसे इंडिकेट करता है कभी वर्क कर रहा है और कभी वर्क नहीं कर रहा है। जब आपका ग्रिल या सैंडविच मेकर ऑन होता है तो दोनों लाइट्स ऑन होती हैं, और जब आपकी ग्रिलर या सैंडविच मेकर जो है वो कंप्लीट हो जाता है वर्क, तो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है, रेड लाइट ओनली ऑन रहती है। तो ये एक इंडिकेशन है। एंड आप देख सकते हैं इसका एडाप्टर है प्लग, एंड ये हमारा वायर है। बहुत लंबा वायर नहीं है बट फिर भी अबाउट 1 मीटर का वायर है इसमें। और आपको पीछे ये दे रखे हैं वायर होल्डर, जो कि वेरी इजली आपको जब वर्क नहीं हो ग्रिलर का तो आप वायर को इस तरीके से कॉयल करके रख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस बचता है आपका और काफ़ी मैशी नहीं लगता वायर अगर इधर उधर फैला है तो। और आप देख सकते हैं एकदम छोटे से सूटकेस टाइप का डिज़ाइन है, ब्लैक कलर एंड सिल्वर टॉप बॉटम है, टॉप प्लेट है। तो काफ़ी स्पेस नहीं लेने वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी दिखने में स्टाइलिश है और बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। एंड जस्ट 700 वोल्ट की इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। एंड ये मॉडल नंबर है IT221SG2, ये इसका मॉडल नंबर है। एंड आप बैक साइड भी देख सकते हैं, काफ़ी फिनिशिंग है। एंड इसे ओपन करना एंड क्लोज़ करना भी बहुत इजी है। और ये देखिए, ये ग्रिलर प्लेट है, इसके साथ आपको दो ये सैंडविच मेकर एंड ग्रिलर बोथ है, तो आपको ग्रिल प्लेट एंड सैंडविच मेकर प्लेट दोनों मिलती है। एंड इसे रिमूव करना एंड वापस फिट करना भी बहुत इजी है। आप देख सकते हैं दो होल्डर्स हैं या दो प्लग्स हैं, जिसे थोड़ा सा पुश करना है और आपके प्लेट्स वेरी इजीली रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए, ग्रिल वाला प्लेट था एंड ये है सैंडविच प्लेट। ये दोनों नॉन स्टिक हैं, तो आप इसमें बिना ऑयल या बटर के भी आप सैंडविच या ग्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें ये दो रॉड्स लगे हैं जिससे हीट आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एंड ये प्लेट है एंड ये हुक्स हैं जिसे हम पुश करके फिट कर सकते हैं अपने प्लेट्स जब भी हम चाहें, और रिमूव भी कर सकते हैं दोनों साइड पर है ये टॉप एंड बॉटम। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्रिप्स हैं जिसमें हमें फ़िट करनी है हुक्स के थ्रू। तो ये मैं सैंडविच प्लेट इसमें आपको फिट करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे सैंडविच वेरी इजली विदाउट ऑयल और बटर हम बना सकते हैं। तो इसे हमें इस तरीके से फिट करना है, आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है उसे नीचे रखना है और थोड़ा सा जो कम पार्ट था उसे ऊपर रखना है। हुक्स को थोड़ा सा ऊपर को प्रेस करना है एंड वापस से फिट करके छोड़ देना है। ये देखिए फिट हो जाएंगे, और रिलीज़ करते टाइम वापस से उसे थोड़ा सा पुश करना है ऊपर की तरफ, ये वेरी इजीली निकल भी आते हैं वापस से। तो हम इसे फिट कर देते हैं, बस हुक को थोड़ा सा ऊपर खींचे और उसके बाद वापस छोड़ दीजिए, ये फिट हो जाएंगे। जैसे ऊपर हमने फिट किया है वैसे जस्ट सेम बॉटम साइड पे भी आपको प्लेट्स फिट करने हैं। वो जो हुक्स हैं साइड आपको फ्रंट पे, उसे पीछे की तरफ खींचना है, यानी थोड़ा सा पुश करके हमें खींचना है और उसके बाद उसको फिट करके प्लेट को वापस से छोड़ देना है। आपके प्लेट्स फिट हो गए, ये देखिए बहुत ही आसान है इसे फिट करना, रिमूव करना और बहुत ही आसानी से यूज़ करना। तो ये सैंडविच मैंने बना के रखी थी, ये कर्ड सैंडविच मैं बना रही हूँ। आप किसी भी तरह का सैंडविच या किसी भी तरह की ग्रिल वर्क कर सकते हैं। और इसे वापस से बंद कर देते हैं, इसे जो ये हमने फिट किया थोड़ा सा पुश किया ये क्लोज़ हो गया, ऑन कर देते हैं, दोनों लाइट्स ऑन हो गई हैं। और ये देखिए, और जब अबाउट 2 मिनट हमें लगेगा सैंडविच बनाने में, आफ्टर 2 मिनट हमें इंडिकेशन मिल जाएगी ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी। तो देखिए आफ्टर 2 मिनट ग्रीन लाइट ऑफ है, रेड लाइट ऑन है, और प्लग हम निकाल देते हैं, दोनों लाइट्स ऑफ हो गई और हमारा सैंडविच भी बिल्कुल रेडी है, काफ़ी क्रिस्पी बना है। और आपने देखा मैंने कोई भी ऑयल या बटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। तो आप इस तरीके से हेल्दी फूड ले सकते हैं जिसमें ना ऑयल है ना बटर है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सैंडविच बना सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है इस किचन के लिए, हर किचन के लिए, जो आपको इजी कर देता है, आपके वर्क्स को काफ़ी आराम देता है, आप
आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसे साफ़ करना भी बहुत आसान है। जो पूरा बॉडी है उसे आप किसी भी सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं और प्लेट्स को निकाल करके वापस वाटर से या ड्राई कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो ये था सैंडविच एंड ग्रिलर इटालिया का। तो इस तरीके से और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिव्यू एंड किस तरीके से हम अपनी रेसिपीज़ और ट्राई कर सकते हैं वो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।